ये रोमन अन्योकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों यूं तो मैं आपके साथ हर दिन केपॉप और के ड्रामा से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज शेयर करती हूं, लेकिन आज की न्यूज एक सैड न्यूज है जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जॉम्बी डिटेक्टिव और डीप जैसे सुपरहिट शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस जोंग जियुल की कल 11 अप्रैल को डेथ हो गई, जिसके बाद से कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मायूसी छा गई है। तो मैं आपके साथ इस न्यूज को शेयर करूं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आप एक के ड्रामा लवर हैं और रेगुलर कोरियन वेब सीरीज देखते हैं तो आपने 2020 में आई फैंटेसी वेब सीरीज जॉम्बी डिटेक्टिव तो जरूर देखी होगी, जो कि कोरिया की सुपरहिट वेब सीरीज में से एक है। तो इसी वेब सीरीज की सेकंड लीड एक्ट्रेस जोंग जियुल को भी आपने देखा ही होगा। तो कल से कोरियन मीडिया की तरफ से न्यूज आ रही है कि जोंग जियुल की 26 इयर्स की एज में डेथ हो गई। अगर कोरियन मीडिया की माने तो कल मॉर्निंग में जियुल अपने घर में डेड मिली, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी तक उनकी अचानक इस डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं जियुल की फैमिली उनके इस तरह अचानक चले जाने से सदमे में है और कोरियन मीडिया का कहना है कि इस न्यूज के बाद से सबसे ज्यादा जियुल की मां को सदमा लगा है और वो इस न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उनकी इतनी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल बेटी अचानक इस तरह उन्हें छोड़कर चली गई। हमारे जिन दोस्तों को जियुल के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि 4 सितंबर 1996 में बॉर्न होने वाली जियुल अभी सिर्फ 26 इयर्स की थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कोरियन मॉडल की, जिसके बाद उन्हें कुछ मूवीज और वेब सीरीज के ऑफर भी मिले, जिसमें उन्होंने 2020 में आई सुपरहिट वेब सीरीज जॉम्बी डिटेक्टिव में सेकेंड रोल प्ले किया। वही लास्ट ईयर उनकी एक और वेब सीरीज आई जिसका नाम आई हैव नॉट डन येट माई बेस्ट था। इसके अलावा उन्होंने 2018 में एक मूवी भी की जिसका नाम डीप था और अभी वो एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम वेडिंग इम्पॉसिबल रखा गया था। और अब अचानक इस सैड न्यूज के आने के बाद से वेडिंग इम्पॉसिबल की टीम ने 2 दिन के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। वहीं जियुल के फ्रेंड्स और फैमिली का कहना था कि वो डे बाई डे ग्रो कर रही थी और वो एक फिट एंड हैप्पी गर्ल थी, यानी उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद अचानक इस तरह की न्यूज सभी को परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जियुल हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। हालांकि जियुल की फैमिली ने मीडिया से कहा कि वो जियुल का फ्यूनरल प्राइवेट रखेंगे, इसलिए जियुल के फैंस जहाँ है वहीं से उन्हें अलविदा कहें। वेल, हम भी अपनी के ड्रामा दोस्त फैमिली की तरफ से प्रे करेंगे कि जोंग जियुल की फैमिली को इतना बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगियो।